पार्टी को जिताने का काम करता है, लेकिन संघर्ष में नहीं उतरता है। ये हमारे साथी हैं शायद महमूद जी, आपको अपने अंदर बदलाव लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देश सबका है। इतनी बड़ी आबादी को अलग थलग करके कोई महान देश नहीं बनाया जा सकता है। ओबामा का फादर कौन था? नैरोबी के रहने वाला था। वो कौन था? अफ्रीकी था। लेकिन अमेरिका में कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया कि एक विदेशी मूल का आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तब जाकर के अमेरिका महान हुआ है। भारत को महान अगर होना है, चाहे अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, सबको भागीदारी देना पड़ेगा, तभी ये भारत चीन बन सकता है, साउथ कोरिया बन सकता है, अमेरिका बन सकता है। महिलाओं की इतनी बड़ी आबादी को काट करके देश को महान बनाया जा सकता है? उनका उत्पादन में, उनका शिक्षा में, स्वास्थ्य में भागीदारी के बगैर ये देश कभी ग्लोबल पावर नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं को केवल चरित्र की मूर्ति न देखा जाए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया और सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया। हम उसका स्वागत करते हैं। ये महिला कैसे अपवित्र हो सकती है भाई? 10 साल से 50 साल की महिला अपवित्र है? अरे जिसके कोख से हम पैदा होते हैं, जिसके कोख से मर्द पैदा होता है, वो कैसे अपवित्र हो सकती है भाई? ये जो धारणा है, अगर इसको हमने तोड़ा नहीं तो भारत महान नहीं हो सकता है। महिलाओं के ऊपर ही चरित्र की गठरी लादी जाती है, पुरुषों के ऊपर नहीं लागू होती है, ये कैसे देश आगे हो सकता है? हम अंबेडकरवादी हैं। मैं अपने इस दलित समाज से, अंबेडकरवादियों से कहूंगा, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है तो बड़ा दर्द होता है आपको। आप मैदान में निकल आते हैं, अपनी महिलाओं के साथ में आप क्या करते हैं? लेकर के आए उन्हें आप, उनको आजादी देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से अगर इस्तीफा दिया था, इस मुद्दे पर दिया था कि वो मंत्रिमंडल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने वाला विधेयक पास नहीं किया, इस बात से क्षुब्ध होकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। दुर्भाग्य है इस देश में कि वो दलित ही नेता बने रहे, महिलाओं को नहीं पता इस बात का। इसलिए हम देश को महान बनाने का काम करने आए हैं यहाँ पर। अगर कुछ ही लोगों की भागीदारी, न्यायपालिका, मीडिया, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग में सीमित रही तो यह देश बड़ा नहीं हो सकता। यह देश महान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रभक्त कौन है जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकरवादी, मानवतावादी से बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता।
नारे से देशभक्त नहीं होता कोई, भागीदारी से हो सकता है। आजादी, इंसान की आजादी देने से हो सकता है, सबको हिस्सेदारी से हो सकता है, सबको न्याय देने से ये देश महान हो सकता है, सबको शिक्षा देने से देश महान हो सकता है। नारों से नहीं होता, देशभक्त कहने से नहीं होता। हालांकि मैंने आपसे वादा किया था कि पीछे जा करके, क्योंकि मेरी बात को ही मानते हैं लोग। सलमान जी ने कहा कि सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दीजिए, 10,000 सिक्योरिटी फील हो जाती है। मैं अकेले जहां कह देता हूं, हमारे लोग वहां खड़े हो जाते हैं। कई हजार पुलिस फेल हुई थी जब तक मैं नहीं पहुंचता हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस है इस बात का। आज आप लोग हमारी बात नहीं पूरा मान रहे हैं। सारे लोग बसे में भरे पड़े हुए, सारे लोग बाहर हैं। अरे मैं कहूँगा, ये जो भय है, इस भय को आज मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मेरी इज्जत, मेरी इज्जत को जरा, इज्जत को ध्यान रखना। यूं पीछे लोग हैं, अब चलने लगे, आने लगे हैं, और जाना मत भैया। अगर लोगों को, लोग आ गए होते तो जगह नहीं होती। इसलिए जैसा मैंने कहा था कि मंच का संचालन एसपी वर्मा जी, देवी सिंह राणा जी, संजय राज, परमंदर जी वो करते रहेंगे, और मैं, जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं, हम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करेंगे। जो क्या, सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना चाहिए। आते और हैं तो, अरे बुजदिल मत बनो, बुजदिल मत बनो, आ जाओ, आ जाओ, पीछे से लोग आ जाइए। अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे।